वो उस तरह से नहीं हारा जिस तरह एक वक्त लग रहा था। हार हार है। बैटिंग तो भारत ने मतलब हद मचाई हुई है। हद तो मतलब इस वेरी क्या कहते हैं हल्का सा लफ्ज है, हद से भी ज्यादा भारत। पर फिर विराट क्या इनको ना क्या मैच को रीड करना भी तो आना चाहिए ना। नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं, हिंदुस्तान में आप क्यों ड्रामों पे जाते हो, प्रेशर काम पर क्यों नहीं जाते। प्रेशर जिस दिन आता है कि हमें आर पार का मैच है, आज निर्णायक मैच है, उनकी टांगे कांप जाती है, सॉरी वो नहीं खेल पाते। अच्छा हम तो मैच टीवी पे देख के जो भी हम बोल रहे हैं ठीक है, क्या जो ड्रेसिंग रूम पे बैठा कोच या जो कैप्टन बैठा है वो नहीं उसको कह सकता। नहीं, आपने जो ब्रेक पे बात की राहुल द्रविड़ की, मैं तो कहता हूँ कि अब राहुल द्रविड़ की और बात होनी चाहिए। भाई यार, ये किस तरह की रणनीति बनाते हैं आप, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप डर रहे हो, फियर ऑफ फेलियर। डेढ़ घंटा पहले मेरी आपसे बात हो रही थी ना, मैंने क्या बोला था, फियर ऑफ फेलियर। ये ड्रेसिंग रूम फियर ऑफ फेलियर का ड्रेसिंग रूम है, और ये 2007 की याद कराता है, 2006 के एंड की याद कराता है, 2007 वर्ल्ड कप की याद कराता है। There is something common in this. आपको सोचना होगा आपके फैसले कैसे हैं यार। ये पिछले कई दिनों से जब से कपिल पाजी ने ये बोला, कपिल देव जी ने बोला कि यू कैन कॉल देम चोकर्स, हकीकत है। आप इसको सच को फिर से वही कर लो, शूट द मैसेंजर, कि बोलने वाले को गाली देनी है दे दो। लेकिन उन्होंने गलत नहीं बोला, और इसमें इंडियन क्रिकेट की भलाई है, बेहतरी है। मैच बेशक इंडिया हार गया, लेकिन मैच हुआ तगड़ा। एंड पे शुरू में बैट्समैनों ने जिम्मेदारी नहीं ली। वो गिल ने क्या शॉट खेली है, वो उसके कैलिबर की शॉट है। मतलब जिसका जितना उसका नाम है, जितनी बात होती है कि जनाब गिल ये वो क्या शॉट खेला था, अजीब और गरीब किस्म का। एनीवेज, अक्षर पटेल ने आके जनाब बताया कि हिटिंग किस तरह होती है, 6 छक्के, और जो हंसा रंगा को हंस हंस के छक्के मारे हैं एक ओवर में, पहली 3 गेंदों में 3 छक्के, बाद में गौर, तो जनाब उस तरह की उसकी धुलाई बड़े बड़े बैट्समैनों से होती हुई मैंने कभी नहीं देखी, जो अक्षर पटेल ने उसकी धुलाई की है, दैट वॉज टू गुड। मैच हार गया इंडिया, लेकिन ये कसूर है ऊपर वाले 3-4 जो खेल के गए हैं, अजीब और गरीब किस्म के, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे पार्टनरशिप थोड़ी तो डेवलप होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, या पहली गेंद से या देख दिखा कि थोड़ी हिटिंग होती है, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। सारा बोझ जो है वो सूर्या कुमार यादव पे डाला, वो तो अक्षर पटेल आउट ऑफ सिलेबस आया, उसने जिस तरह हसरंगा को छक्के मारे, दैट वॉज अमेजिंग। एक लम्हे के लिए लगा जब सूर्या कुमार यादव ने 15वें ओवर की गेंद पे छक्का मारा अपने स्टाइल में मिड विकेट पे, कि जनाब ये कमाल हो गया, लेकिन उसका आउट होना ही था, तो वो एंड पे आते 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 जो उम्मीद की शम्मा थी वो बुझते बुझते एंड पे बुझ गई। लेकिन दे आर स्टिल सो मेनी पॉजिटिव्स फॉर इंडिया टू टेक आउट ऑफ दिस मैच, बट इट डज नॉट मीन कि जो रिस्पॉन्सिबल है, ये मैच भी आप जीत सकते थे, जो रिस्पॉन्सिबल है उन पर अगर बात ना की जाए, गिल उसमें एक शामिल है, वो बिल्कुल बेतुकी शॉट उसने खेली थी जो कि आप किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऊपर से एक विकेट गिरी फिर दूसरी तरफ। मुझे रिजवान अदल साहब, 2 मिनट में मैं इनको पूरा खुलासा कर दूंगा, मैच में हुआ क्या, आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, किसने फाइट किया, ये नीचे वाले जो नहीं, आपने कहा इंडिया ने फाइट किया, यू यूज दीज वर्ड्स, अक्षर इंडिया, नो आई एम सॉरी, इंडिया ने कोई फाइट नहीं किया। वो जो बड़बोला है जो कहता है आई वॉन्ट टू गिव टफ टास्क, मैंने आपको पिछले मैच में कह दिया था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बड़ा छोटा गैप है, यहां नजर आया, यहां क्या नोट किया आपने, आपने ये नोट किया 3 ओवर 41 रन हसरंगा, 3 लगातार छक्के हसरंगा को किसने मारे, अक्षर पटेल ने, आखिरी ओवर में कितने रन चाहिए थे, 21 रन चाहिए थे, बॉलिंग के लिए कौन आया, शनाका जी, शनाका आया, उसने कोई एक ओवर किया था पूरे मैच में, पिछले मैच में क्या साबित हुआ, व्हाट डज इट मीन, इट मींस मुंह से नहीं फायर करना, कैप्टन लेड फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज कॉल्ड द कैप्टनसी, उसने कहा मैं बोझ लूंगा, हारूंगा तो मैं हारूंगा, जिताऊंगा तो मैं जिताऊंगा, पहले बल्ले से फिर बॉलिंग से, रिजवान 1 ओवर 4 रन 2 विकेट, हैट्स ऑफ टू अक्षर पटेल, हैट्स ऑफ टू मावी एंड टू समवट स्काई 36 बॉलों में 51, लेकिन जहां वो आउट हुआ वहां से मैच खत्म। अब इंडिया के पास नीचे कोई प्लेयर ऐसा नहीं था, मावी ने दिल खुश कर दिया, छक्के पे छक्का, 2 चौके भी मारे, लेकिन देखे मावी ने जो दिया 50, उसने वो अपना उतार दिया 15 बॉलों में 26 रन। हार्दिक कहेंगे ना वो 4 बॉल 9 बॉलों ने मैच हरा दिया, सिर्फ वो ही नहीं, नहीं, वो हो गया, देखे वो हो गया, खबरदार अगर अपना किसी के ऊपर डालने की कोशिश की, ये 2 मिनट मैंने चुप नहीं आना, पहली गलती जो मैं आपको कह रहा हूं, चले ले ले मैसेज ले ले। तीरथ सिंह कह रहे हैं जनाब अक्षर ने तो बढ़ के काम कर दिया, उम्मीद थी सूर्या से कि वो एंड करेगा लेकिन वो नहीं कर पाया। छोड़े जी, अभी सुन ले मेरी बात, सुन ले 2-3 चीजें सुने। पहली बात ये है, मैंने आपसे कहा ये जो गिल है ना इसको आप खराब कर देंगे T20 खिला के, 2 consecutive matches रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, माय डियर ब्रदर, व्हेन इट कम्स टू प्रेशर देन यू नीड अ प्रेशर कुकर हु कैन सस्टेन, जो आग में बले, जो
हिटमैन का निकाल दें, आप किंग को निकाल दें, तो करवा लें इनसे आप। हार्दिक पांड्या भाईजान 100 साल, कितने साल? 100 ईयर्स में भी रोहित शर्मा नहीं बन सकता। मैं बताता हूं कैसे, अभी मैं प्रूव कर दूंगा। परसों ने मेरी बात समझ नहीं आई क्योंकि ये मैच जीत गए थे, आज ने मेरी बात ऐसे समझ आएगी जैसे समझानी है। इसके बाद लोग आएंगे, हमारी गुफ्तगु उठाएंगे, अल्फाज भी शायद ये ले जाए, कोई बात नहीं। हमारा काम अली के नौकर है, हमारा काम है, हम तो उसकी खराद लेते हैं, तो आगे से खराद बांटे। पहली बात यह है, शुभम गिल इज नॉट अ प्लेयर ऑफ T20, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात माने, उसे खराब ना करें। नंबर टू, हार्दिक पांड्या देखे, जो हम्बल होगा ना, जितना हम्बल होगा उतना उसको ऊपर वाला नवाजेगा। बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है, यह याद रखना, जो आपका बैकग्राउंड है, हार्दिक पांड्या जो है ये बातें करेगा। क्या किया 12 बॉलों में 12, क्या करके गया हार्दिक पांड्या? 57 में 5 छोड़ गया, ये कोई एशिया कप का मैच थोड़ी है बाबर आजम के साथ। क्या हार्दिक है 57 58 में 5 आउट है? मैसेज भी ले लेंगे। प्रांजल पासवान जी क्या कह रहे हैं भाई, मैच हार गए, बट एवरी डे इज नॉट संडे। ओपनर्स को 2007 गंभीर, सहवाग और 11 सहवाग सचिन की वीडियो देखनी चाहिए, आल्सो परफॉर्मेंस करता है। तो मामी अपना वर्ल्ड कप 2015 स्क्वाड का टिकट कटवा लेगा। देखिए माजरत के साथ मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, ये मावी जो है अभी उस प्रकार का, उस नहज का, उस क्लास का, अभी इट्स टू अर्ली। यू आर ड्रीमिंग अबाउट वर्ल्ड कप एंड यू आर वांट टू विन द वर्ल्ड कप विद द यंगस्टर्स। भाईजान हर कोई धोनी नहीं होता, अगर आप 2007 और 11 की बात कर रहे हैं, वो ब्रेन था महेंद्र सिंह धोनी का, वो ब्रेन कैसे लाएंगे आप? ये थोड़ी है कि सक्सेस जो आप यंगस्टर्स उठाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने उठाए थे 7 और 11 में, तो वर्ल्ड कप जीत गए, 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तो भाईजान उसके बाद बड़े बड़े इस्मार खान क्यों नहीं जीत सके? नहीं जीत सके भाई, ऐसे ही अभी तक तो नहीं जीत सके। और हैरी कंग कह रहे हैं, पाकिस्तान कल नू चेज करन जाऊगा या फिर पिछते मंजी डाके बह जाऊगा? भाईजान पाकिस्तान को नहीं चेज होता, इस टाइम इस मैच की गल करो, सारा दिन पाकिस्तान दे मैच की गल कीती है, इतो ध्यान क्यों हटा रहे हो, इस मैच ते क्यों नहीं रुकते पे हो? जरा ना छोड़ो यार, सारा दिन असि पाकिस्तान की गल कीती है यार, नहीं चेज होता पाकिस्तान को 300 नहीं। अगर रात को एक बात तो तय हो गई है इंडिया वाले मैच से, वो ये है कि अभी आपके पास रोहित विराट जैसे चैंपियन पैदा करने में बड़ा टाइम लगेगा। दे आर द रियल फिनिशर्स, नो डाउट। अक्षर प्लेड आउट ऑफ स्किन, ठीक है, मावी वाज गुड, स्काई वाज ओके, बट योर कैप्टन वाज नॉट ओके। एरोगेंस जो होती है ये कभी आपको जीत का पैगाम नहीं देती। पहला मैच भी आप गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से जीते, और फिर बड़े बड़े बयान दे देना, ये गलत है मिस्टर हार्दिक पांड्या। आई एम योर बिगेस्ट एडमायरर, बट याद रखें मैं बिगेस्ट क्रिटिक भी होता हूं, जब गलत देखूंगा तो बोलूंगा। अभी ये त्रिपाठी और किशन और गिल का आपको बार बार कह रहा हूं, ही विल बी वेस्टेड इन T20। पता नहीं BCCI किस मिशन पे लग गया भाई, राहुल द्रविड़ साहब के बस की बात नहीं है, ये उसके नहीं है। हो जाएंगे कि यार वो इंडिया हार गया तो तुम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो, भाई हमें तो पता ही है, तो कह रहे थे हार जाएगा, और मैं आपको कह रहा था कि टॉप ऑर्डर से एक बड़ी इनिंग चाहिए, ठीक है, चाहे 100 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो। देखें अक्षर पटेल, हाँ तारीफी बात जरूर करूंगा पहली लाइन में, और वो ये है तारीफी बात, जरा आप लोग ज्वाइन कर लें, मतलब लाइक ज्यादा लोग कम हो गए, शायद 5-10 मिनट आगे चले गए थे, आ गए। अच्छा अब ये मैं आपको बताता हूँ कि जो भाई क्लिप काटने के मास्टर हैं हम लोगों के, यार जरूर काटो, अच्छा लगता है। देखो क्रिकेट की बात पूरी होना तो अच्छा लगता है मुझे, क्या किसी को भी 5-7 वीडियोस तो होंगी ऐसी अभी रीसेंट टाइम्स की, कि मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि अक्षर पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बैटिंग से तंग कर सकता है दुनिया को, उसके रीजंस बताता हूं। अच्छा मैं कभी कभी नई बात देता हूं, आज वो दिन है जो लोग हार का क्या कहते हैं कि वो डिंडोरा पीट रहे हैं और वो नहीं देखना चाह रहे, उनकी मर्जी, हार का मतलब होता है भाई, जो देख रहा है, जो देख रहा है उसे मैं एक ऐसी बात देने जा रहा हूं कि जो, फिर मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, जो इस खेल से जुड़ा हुआ शायद मैंने कभी किसी आदमी को कहते हुए नहीं सुना, ये तो मैं भी कहता हूं, इफ्फी भाई भी कहते हैं, बाकियों से भी आप सुनी लेंगे, वी में मारता है, मैंने भी कहा। मैं आपको अक्षर पटेल की एक और क्वालिटी बताता हूं, अभी वी नहीं, हर शॉट के लिए एक आइडियल पोजिशन होती है, वो हर शॉट के लिए अपने आप को वी में तैयार रखता है, अगर वो फ्लाइट में भी बीट हो जाता है तो वो ऐसे ही मारता है, उस बॉल को वो ड्रैग नहीं करता इस तरफ, ऐसे बल्ला नहीं होता उसका, यानी वो हर शॉट को ही वी में मारता है भाई, हर शॉट को वी में मारता है। और मैं आज एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों की ये तो नहीं कहूंगा घंटा बजा दिया, नहीं वजह, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में इसको प्रमोट किया अक्षर पटेल को, ये रन आउट हो गया, इसका कसूर था रन आउट होना,
उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया। अगर जडेजा होता, मैं सेमीफाइनल में पंत या अक्षर पटेल पर डिमांड कर रहा था कि ऊपर भेज दो एक लेफ्ट हैंडर आदिल रशीद को टैकल करने। इसकी जिस तरह से इसका बैट आता है ना, अगर ये होता या आदिल रशीद को बर्बाद कर देता वहां। अब वही बात है, लोग बोलेंगे इंडिया हार गया यार, अब छोड़ो भाई, छोड़ो नहीं, मसला इस पर बैटिंग पर इतना भरोसा क्यों नहीं है? वेस्ट इंडीज में 67 करके ओडीआई जिताया, परसों इसकी इसकी बैटिंग आपको आगे लेके गई। मैंने कहा देने दो यार दीपक हुड्डा को मैन ऑफ द मैच, कोई बात नहीं, वो खास बच्चा है। आप सीधे भाई एक आदमी जिता रहा है। अच्छा एक और बात, फिर आप गलत कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता क्रिकेट के बाप से किसी का, क्रिकेट के बाप से मॉडर्न डे क्रिकेट जो आप कहते हैं क्रिकेट के अब्बू फिनिशर है। सूर्या कुमार आज विराट बन रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की विराट भाई से, जो सीखा है कि खड़े रहो, काम रहो, बाद में फेंट दो। तो भाई ना तो यहाँ हरीश रऊफ ने आना था और ना आप वो थे। अच्छा मिस कैलकुलेशन हुई सूर्या से, मैं आउट की बात नहीं करता, 4 छक्के 26 रन का आखिरी ओवर वनिंदु असरंगा का लूटा हुआ है, लूट लिया। फिर आपने ऐसे हो कि अपना फेवरेट शॉट स्क्वायर फाइन पे छक्का मार दिया, शॉट फाइन अंदर था, स्क्वायर लेग सीधा था, आपने खैर छक्का ही मार दिया। जब मार लिया तो मेरे भाई ये जो बंदा था मधुशंका, इसको थोड़ी इज्जत देके फारिक करते ना, फारिक करते, यही थ्रेट था। अगला ओवर महेश दीक्षाना का था, मैच में अंदर लाके इतनी प्रिकॉशन लेके क्रिकेट खेलने के बाद सूर्या कुमार यादव थ्रो कर गए। तो यार ऐसे नहीं चलेगा, 26 पे 26 27 थे, आप खुद देख लेते, आप अगली 5-6 बॉलों में कहां चले गए? अगली 5-6 बॉलों पे आपने जो 21-22 रन बना दिए, कुदरत ने जो तुम्हें दिया है सूर्या, वो किसी को नहीं दिया टैलेंट वाइज, तुम इंसाफ नहीं करके गए। मैं एक मैच को नहीं रो रहा, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा खेले, शनाका डिजर्व करता था कि वो लूजिंग साइड पे नहीं हो जिस तरह उसने फिनिश किया, बट तुम शनाका के बाप हो, तुम में वो टैलेंट है, टैलेंट वाइज तुम उससे बहुत ऊपर हो, लेकिन तुमने अपने टैलेंट को आज टाइम लेके जाया कर दिया। यार रह क्या गया था, हाथी मार दिया तुमने, जून पे अटक गए तुम, मतलब तुम अक्षर के साथ सिर्फ खड़े रहते भाई, वो तुम्हारा बॉलर है ठीक से ना, टांग रख के स्वीप मारना होता है उसे, तुम अगले ओवर में 2 छक्के मार देते, अक्षर मारता नहीं मारता, तुम मार देते, गेम तुम्हारी तरफ आ गया था। लेकिन तुम्हारी जल्दबाज क्रिकेट ने, एक तो पहले आप जल्दबाज हो ही नहीं रहे थे, फिर आपको जल्दी लगी तो ऐसी लगी, आखिरी 3 ओवर में आप रिक्वायर्ड रन रेट से आगे निकल गए थे, 26 रन वनिंदु को मार दिया। तो इंतजार कर लो ना मेरे भाई, बॉल गीला हो रहा है, स्पिनर का बॉल अच्छा बैट पे आएगा, वो तो फिंगर ही मारता है यार, यहाँ थोड़ा सा अंदर आता उसका बॉल ब्रेक वाला, यहाँ पर वो फिंगर मारता, वो होता ही नहीं, वो बाहर निकलता ही नहीं उसका फिंगर। मावी ने 14-15 कितनी पे पता नहीं 26 बना दिया, तो मेरी बात ठीक साबित हो रही है कि जब मावी 15 पे 26, तो आप तो जितना टाइम ले चुके थे, और जो आपकी आखिरी 6 बॉले निकाले, आखिरी 6 बॉलों पे 22 रन है आपके, तो आप अगर अगली 6 बॉलें और खेल लेते किसी स्पिनर की तो 20 रन तो होते ना, मैच आ गया था। अक्षर की बेहतरीन मेहनत को, 65 रन की कड़ाकेदार धमाकेदार बल्लेबाजी को, फ्लाइट में डिसीव होने के बाद जो तीसरा छक्का कराया असरंगा को, मैं उसका कायल तो हूं कि उसमें टैलेंट है। आज उसने मुझे अपनी बैटिंग का फैन बना दिया बॉस। हम लोग कुछ लोगों को शुरू से चढ़ाते हैं, अक्षर इज वन ऑफ दोस्त, रविंदर जडेजा से किसी का मुकाबला नहीं है, लेकिन क्रिकेट में उतना भरोसा देना होगा अक्षर को जितना जडेजा को इंडिया देता है। लंका की तरफ से फिनिशर कौन था? शनाका। हाँ। फिनिशर कौन था? शनाका था भाई। हाँ। बॉलिंग में तो चलो ठीक है, उसने आखिरी ओवर करा रही, 2 विकेट मिल गई, मगर श्रीलंका को वहां तक पहुंचाने में शनाका का काम है। अच्छा। उसने गोल लाइन तक पहुंचाया भाई, गोल कौन किसने मानना था? शनाका ने मानना था, उसने बॉलिंग में मार दिया आखिर में आके गोल। तो सूर्या को ये तो देखना पड़ेगा कि भाई वो मैच फिनिश कर सकते हैं या अपने रन मार के निकल लेंगे वो, ठीक है। गेम रीडिंग भी होती है, वो गेम रीडिंग थी नहीं। अच्छा मेरी नजर में सूर्या हुआ, अक्षर हुआ, या इवन आखिर में शिवम मावी जिन्होंने 15 बॉलों पे 20-22 रन मारे, मेरे लिए वो अहमियत नहीं रखते, मेरे लिए अहमियत रखते हैं आपके दीपक हुड्डा के वो 12 बॉलें जिसमें 9 रन आए, मेरे लिए अहमियत रखते हैं शुभमन गिल के वो 5 रन जो 3 बॉलों पे आए हैं, और दूसरे एंथनी राहुल त्रिपाठी के 5 बॉलों पे 5 रन, ये मेरे लिए 20 बॉलें ज्यादा अहमियत रखती है इस गेम के अंदर जो आपकी जाया हो गई है भाई। वो तो बाद में सूर्या ने तो बाद में आया, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आया, ऐसा लग रहा था गेम में रुकने की कोशिश करने में आप अपनी विकेट देके गए, मतलब इतनी बॉले लेने के बाद आप मतलब जिस तरह की राहुल त्रिपाठी की विकेट है चार्ज करते हुए नजर आया, मगर मिस क्यों करके चलो वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ बाद में नीचे अक्षर के जो रन है वो तो आ गए भाई, आपने मतलब उसको अक्षर तो चीता है उसको आपने हर दफा उसने अपने ही रोल प्ले करना है क्या रोल मैं अच्छा अगर आप इसमें पॉजिटिव देख ले तो भाई वो 3 विकेट ले गए 50 रन देकर, क्या नाम है वो उमरान मलिक, ठीक है शिवम मामी ज्यादा रन कर गए, ठीक है अक्षर पटेल ने हाईएस्ट मार दिए, ये पॉजिटिव है। अच्छा नेगेटिव क्या है जी, 5 बॉलें 9 बॉलें नहीं, उन्होंने आपको मेरिट पे रन मारे भाई, 206 रन आपकी बॉलिंग इतनी है,
इतनी ही बॉलिंग है जो आप अच्छा विकेट में भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही पट्टा हो, सीधा सीधा आ रहा हो, हर जो कोई आ रहा हो धीरे रतन कर रहा हो वो भी नहीं था, बॉल को भी थोड़ा सा आगे पीछे मिलना था, मुश्किल हो रहा था खेलना, जब भी तो आपके बल्लेबाज तकरीबन दो ओवर तीन ओवर पी के गए आपके तीन अहम तरीन बल्लेबाज दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल। तो भाई अब ईशान किशन को तो छोड़ते चले भाई, पहले मैच में उन्होंने रन कर दिए थे, मगर आप नीचे कब तक जाएंगे आपको, मतलब और कितना नीचे आपको बल्लेबाजी लेके जानी पड़ेगी भाई। शिवम मामी ने आज मार दिया, कल फिर थोड़ी मार सकता है कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि फिनिशिंग रोल जिन बल्लेबाजों के पास है उनका रोल नजर नहीं आ रहा, आप समझे नहीं, आज श्रीलंका ने बैटिंग में चेंजेस करी है, राजापक्षा ऊपर गए, राजापक्षा ने जो ऊपर जाके जो करना था वो कर दिया, उन्होंने आउट हो गए, ठीक है वो आउट होकर निकल लिया, उनको उतना ही रोल मिला था। नीचे शनाका का रोल है असल देखा जाए, इससे पहले मैच में जो थ्रिलर बनाया श्रीलंका ने उसमें चमिका का हाथ है करुणा रत्ने का, तो नीचे आज शनाका चले गए, उन्होंने भी 190 रन था, 57 में 5 है उनसे 190 लग गए, और टेक्निकली तो उन्होंने मार खाई है बॉलर से, अक्षर पटेल कौन सा हर मैच में 50-60 करता है, और मामी ने कितने मैच खेले हैं, दूसरा मैच है उसका। अच्छा आगे क्या कह, तो भाई जन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं, आप देखे त्रिपाठी आपने खिला के देख लिया, भाई जन विराट कोहली रोहित शर्मा, भाई जन विराट कोहली रोहित शर्मा ये है बड़े मैच के प्लेयर, ये देखा। बाकी वो अर्शदीप का भी कह रहा है नो बॉल के साथ, सर 5 नो बॉल उसने करके तो तबाह कर दिया, लेकिन हु इज एट फॉल्ट, अभी समझ आया हु इज एट फॉल्ट, शनाका ने बॉल पकड़ा आखिरी ओवर, खुद आ गया हार्दिक पांड्या, कौन सा टफ टास्क तू दे रहा है, क्या बेवकूफ बना रहा है, 12 में 12 बना के आउट हो गया, बाहर चला गया तू, ये टफ टास्क दिया, बाकी दो ओवर उसके रहते थे।